वेलकम बैक नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम बाकमाल लोग, शख्सियत आपके सामने, लीजेंडरी फैमिली लैंडलॉर्ड, लेकिन धीमा मिजाज। वो बड़ा खूबसूरत है कि झुकने वाली जो बेलें हैं उनको हल लगता है। आइए हम आपको फिर आप सरदार आसिफ अहमद साहब की गुफ्तगू सुनाते हैं। सरदार साहब, पीटीआई में आपका जो जाना था वो इलाके की खिदमत थी या फिर तरके तल टिकट करना मिला? जी देखिए, पहली बात है कि आपने टाइटल रखा है बाकमाल लोग। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बाकमाल तो आप खुद ही हैं। थैंक यू सर। और आपके सवाल भी लाजवाब हैं। थैंक यू, ग्रेट ऑनर फॉर दिस प्रोग्राम। जी देखिए, मैं तो हुकूमत छोड़ के, असेंबली छोड़ के घर आ गया था। कश्तियाँ जला के मैंने कहा जो मर्जी होता होता, फिर मैं इस गंध में मैं नहीं रह सकता। अब उस जब मैं घर आ गया तो इमरान खान साहब ने मुझे कांटेक्ट किया, किसी दोस्त के यहाँ मिले और उनने मुझे दावत दी कि आप आ जाए। तो मैंने कहा जी देखें, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारे हलके हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स है, पंजाब में हमारा एक मुकाम है, लोग हमें जानते हैं, रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, ताल्लुक हर जगह पर है। तो मुझे तो पूछ के आना पड़ेगा लोगों को। तो मैं लोगों consent. कंसेंट, टेरिटोरियल कंसेंट, कन्वोर्स के बगैर तो मैं नहीं आऊँगा। मेरे दबाजू में मुझे क्या होना, तो आप बताएं अब मैं उन्हें जाके क्या कहूँ। तो बात समझ गए वो। तो उन्होंने कहा जी आप उन्हें ये कहें कि ना ही सिर्फ आपका हलका आपका गारंटीड है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कसूर सारे के आप टिकट देंगे और पंजाब में जो जो रिकमेंडेशन करेंगे, यानी मेरी 10-12 रिकमेंडेशन होती हैं पंजाब में। ठीक सर। मोहतरमा को मैं देता था लिस्ट। अच्छा सर। और उनमें से 90% इलेक्ट होते थे सारे पंजाब में, भावनगर से लेके फैसलाबाद सब। तो उनके जी हम आपके सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको अकोमोडेट करेंगे। मैं कह जी मेरे फ्रेंड पॉलिटिकल होंगे, मैं दोस्तियाँ वैसे पालना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल लोग जो हैं और जो क्लीन लोग हैं, मैं तो खुद क्लीन हूँ, मैं क्लीन अनक्लीन आदमी को कभी सवाल। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से आपको कहना है, उन्होंने हलफ तक उठा लिया इमरान खान साहब। इमरान खान, मैंने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप इसमें हलफ ना उठाएं, सियासत है, मैंने सारी उम्र कभी हलफ नहीं उठाया, ज़ुबान काफ़ी होती है। असेंबली में तो उठाया होगा सर। नहीं, वो तो एक आइन आइन का है। नहीं जैसे आप पाबंद हैं, मैं पाबंद रहा। देखें अब मुसलमान हैं तो हमारा हलफ कुरान में जीत है। आई होप कि जनरल मुशर्रफ वाला हलफ नहीं उठाया होगा आपका, जनरलों डिक्टेटरों वाला आपने नहीं उठाया होगा। नहीं जी, वो तो खानदानी हलफ उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इन डिक्टेटर्स ने, ये गासिब थे, ये इस्लाम की रूह के मुताबिक और दुनिया के तरीकों के मुताबिक ये गासिब थे। यूजर पर इन्होंने कब्जा किया इख्तदार के ऊपर नजायज़। इनकी तो बख्शिश हो ही नहीं सकती मेरे मुताबिक। सरदार साहब, उसको जारी रखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे डिक्टेटरों के की हजामत आपसे करवाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको हेल्प देता हूँ। खैर वो काम चलता रहा, हमने बड़ी मैंने मेहनत की तरीके इंसाफ के लिए, जगह 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 लोगों को शामिल कराया पंजाब सारे में। और जब वक्त आया उन्होंने मेरे टिकट नहीं दिया। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब आपने हलफ उठाए हुए मेरे साथ, अलानिया आपने कहा हुआ है, पब्लिकली कहा हुआ है, तो आप अब अपना हलफ तोड़ रहे हैं मेरे साथ, मुझे कह रहे हैं कि किसी बोर्ड में मैं पेश हूँ, मेरे सब जूनियर लोग हैं, सीवी लेके पेश हूँ। मैं कह जी ये तो मैं नहीं कर सकता। तो उनका जी ये मेरी, फिर मैं तो मजबूर हूँ। मैं कह जी फिर मैं तो मजबूर नहीं हूँ, मैं फिर आज़ाद लड़ूँगा, मैं आपकी पार्टी से नहीं लड़ूँगा। तो उस दिन से मैं आज़ाद हूँ, मैं इलेक्शन में हार गया, अकेला था लड़ू तो हार नहीं था मैंने। मगर ये सब चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक बड़ी जुरतमंदाना एक काविश उनकी है, पाकिस्तान में तब्दीली आए,
और वो वाहिद शख्स हैं जो खड़े हैं नवाज शरीफ के सामने। सर इस पे आई वुड डिफर ऑनरेबल सरदार साहब, बात जुर्म और गरीबी की नहीं है, बात हो रही है कमिटमेंट्स की, ठीक है। एक आप जैसे बड़े बावकार खानदान के चश्मो चराग और खुद पूरे सत्तर साल से सियासत कमिटमेंट की कोई आपको नहीं थी वो, मैं देखे वो बिल्कुल मानता हूँ। देखिए मैं बात यह है कि मैं ज़्यादा इस पर कोई उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता। उनके पार्टी में एक माहौल है और उस माहौल में सरमायादारों को तरजीह दी जाती है। अब तो मीडिया भी ये बात कर रहे हैं ना जी जी। तो वो मियां खुर्शीद कसूरी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, शरीफ आदमी हैं, मगर वो सरमायादार हैं, मैं सरमायादार नहीं हूँ। तो जमींदार सरमायादार नहीं होता जी, जमींदार तो सफ़ेद पोश होता है बस। सही है, सफ़ेद पोशी से बढ़ के वो कुछ नहीं कर सकता। उसने डेरे पे दाल रोटी पेश करनी होती है, आएगा आने जाने वाले को हुक्का पानी, हम तो इतना ही कर सकते हैं ना, हमारे पास सरमाया कहाँ से आएगा। मेरा और कोई जरिया नहीं है ना सिवाय एग्रीकल्चर के, और ज़मीनें कम हो गई हमारी, आप 250-300 एकड़ में आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रेफरेंस दी एक एक बहुत बड़े सरमायादार को मेरे ऊपर, और मेरा उनसे ये गिला रहेगा। सरदार साहब ये बताइए कि माड़ा बंदा फिर सियासत नहीं कर रहा, ये तो बात खैर मैं अपने आप को माड़ा आदमी तो नहीं कहता। आपको बात आपकी बात नहीं कर रहा, मैं गुजार सुन सर, मैं सफेद को जरूर आई एम नॉट पॉइंटिंग आई कांट डेयर टू से दिस। बात तो ये हुई सर कि जिन लोगों ने चूंकि इमरान खान साहब की बात हुई ना सर, तो आपने खुर्शीद कसूरी साहब की बात की, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो 20 साल पहले कारकुन जिसने फॉर्म भरा उस माने की बात कर रहा हूँ, वो हर पार्टी के बैक बेंचेस पे क्यों चला जाता है। नहीं क्यों, वो एक ही दफ़ा हुआ, वो जनाब सिर्फ भुट्टो साहब के पहले इलेक्शन में हुआ, जिसे खंबा वोट कहते हैं, वो ना उससे पहले कभी हुआ। अब देखें कायदे आज़म का इलेक्शन था 1946 का और मुस्लिम लीग हार गई पंजाब में, ना भुट्टो साहब से पहले कभी हुआ ना भुट्टो साहब के बाद में कभी हुआ। और वो वजह ये है कि वो एक बहुत बड़ी तहरीक चली जो कि ज़मीन से उठी थी तहरीक, किसानों मजदूरों गरीबों मिडिल क्लासेस स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी तंजीम चली थी लेबर, वो पहली बार पाकिस्तान में चली। और उसके फिर सम्राट 1970 के इलेक्शन में आए, उसके बाद ये कभी नहीं हुआ, नेवर। आखिर पे सियासतदान जो होता है, चले ना सरमायादार ना भी हो, कुछ वसाइल तो उसे ज़रूर होने उसके पास ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप पब्लिक को पब्लिक की खिदमत आपने करनी है। जब जहाँ बैठेंगे रोज़ के 50-60-100 आदमी वहाँ आएंगे, तो अगर आप उनको चाय की प्याली भी ना पूछें तो वो फिर हमारा कल्चर ऐसा है कि वो लोग आपको कहेंगे जनाब ये तो बड़े खसीस आदमी है, तो शादी चाय की प्याली नहीं पूछता। और हंस के मिलो भी ना। नहीं वो तो हम मिल लेते हैं। नहीं वो फिर उनको फिर सजा भी मिलती है, वाइप आउट होते हैं। हम तो अलग फर्ज से गरीब अमीर सब को सीने से लगाते हैं। आइए अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप पाकिस्तान दुनिया की जो बहुत बड़ी इस्लामिक स्टेट न्यूक्लियर स्टेट और बड़ा पगड़ी वाला मुल्क है उसके फॉरन मिनिस्टर हैं, कोई ऐसी कौम को शेयर कराइए आपके उस एरा में आपके उस टेन्योर में माइलस्टोन तो दुनिया में आप लोग याद करते होंगे ये ऐ सरदार आसफ अहमद अली साहब। अच्छा आप चाहते हैं कि मैं अपनी तारीफें करूं? नहीं मैं तारीफ रकम कर दूं। देखिए मैं तो अपनी जात के बारे में बहुत कम बात करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दो चार काम जो हमने किए। मैं वज़ीर ख़ारिजा से बात कर रहा हूं, सरदार अहमद अली एक साइड पर रख लेते हैं। पहला काम जो हमने किया कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के इर्द गिर्द एक बर्लिन वॉल बना रखी थी और कश्मीर के अंदर बेपनाह मुजालिम हो रहे थे,
مار دھاڑ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے تھے اور وہ اس نے ایک اس کو ایک خفیہ راز رکھا تھا. پہلا ہمارا کام تھا اس دیوار کو توڑنا اور کشمیر کو سامنے پبلک دنیا کے سامنے پیش کرنا, کارڈن اور کنفائن ایریا کو توڑنا, کارڈن سولیٹیئر اس کو جو کہتے ہیں اس کو توڑنا. ٹوٹا اللہ کے فضل سے اس کو نام لے کے گئے, او آئی سی میں لے کے گئے, نان لائن موومنٹس میں لے کے گیا, ای سی یو میں لے کے گیا, یورپین پارلیمنٹس میں میں لے کے گیا, امریکہ کی کانگریس میں میں لے کے گیا, لابیز بنائی ہم نے, میڈیا کے ساتھ ہم نے بے پناہ کام کیا, امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ بے پناہ کام کیا. اس سے کشمیر کھلا اور کشمیری لیڈروں کو اجازت ملی وہ دنیا میں, میں ان کو یونائٹڈ نیشن میں ملے گیا اور انہوں نے وہاں میں نے ایڈریس کروایا ان سے, اور انڈیا کو ہم نے بیک فٹ پہ کیا اور کشمیر کا کیس ایک دم ایڈوانس ہوا. اس کے بعد ہمارا نیوکلیئر ایشو, اس کی ایک پالیسی بنا لی, اس پالیسی کا وکیل صرف وزیر خارجہ ہوتا ہے. ایڈوکیسی وزیر خارجہ نہیں کرنی ہوتی, کوئی افسر تو جا کے نہیں کر سکتا. اس کا جنیوا میں سارا کیس میں نے لڑا. سینکشنز جو امریکہ کے لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے کم کرایا. پھر ایف سکسٹینز کا جو پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پیسہ آدھا ہم نے واپس لے آئے, اور پھر جو میں نے اپنے لیول پہ ذاتی لیول پہ جو کام کیے, بوزنیا کا سنا تھا آپ نے, اس میں جو سول وار ہو رہی تھی, مسلمانوں کا قتل عام جینوسائڈ ہوا, اس میں او آئی سی کا میں چیئرمین تھا, اس حیثیت سے آٹھ ملک پیدا ہوا, یونانیمس ہم نے اسلحہ بھیجا مسلمانوں کو, 70-80 ملین ڈالر کا اسلحہ بھیجا. جنگ ہم نے بالکل اس کا یعنی اپ ٹرن کر دی اور مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کی جیت چھوڑ دی. پھر جب معاہدہ ہوا, اس معاہدے پہ میرے دخل تھا, پیرس پیس ٹریٹی پہ میرا دخل تھا. پھر تاجکستان ہمارا ایک ہمسایا تھا, وہاں ایک پرانی خانہ جنگی تھی, وہاں اقوام متحدہ نے ایک آربیٹریٹر مقرر کیا, وہ کچھ نہیں کر سکا. پھر سیکرٹری جنرل بوٹرس گالی تھے اسے, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا آپ کریں. میں نے ایک میاں صاحب کوئی 4 دن یہ ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے, نہ میں خود سویا نہ ان کو سونے دیا. 15-15 منٹ کا میں وقفے کے بعد میٹنگ بلاتا تھا, 48 آورس کے سے بھی زیادہ, 5 منٹ سے زیادہ میں سویا, اور اخیر پہ وہ اتنے تھک گئے کہ انہوں نے کہا تم جو لاتے ہو ہم سائن کر دیں. پھر نیگوشیٹ کر کے امن معاہدہ ہوا, آج تک وہاں امن ہے. سیز فائر ہوئی, بڑی خوفناک خانہ جنگی, 50-60 ہزار لوگ مر چکے تھے وہاں, اور آج تک وہاں امن ہے. اس کے عوض میں یونائٹڈ نیشن میں میرا نام لکھا گیا, اس کو کہتے ہیں پیس گیورس ٹو دی ورلڈ, میرا ادھر نام لکھا ہوا ہے. یعنی نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا مگر ہمارا کوئی اسپانسر نہیں تھا نا. تو پھر افغانستان کے جو معاملات ہیں ادھر بھی آخر ایک ایسی گورنمنٹ آئی جو پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ہو گئی, طالبان کی حکومت. اب لوگ اسے اچھا کہیں برا کہیں, اور اس وقت وہ وقت جو تھا وہ پاکستان ہی کی کوشش تھی, اور اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کا بڑا اہم کردار تھا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئی جو پاکستان فرینڈلی ہو گئی, جو آج تک ہمیں وہ نہیں ملی. وہ ہماری بنی نہیں سکتی, ہم نے ان کے لیے کیا اور وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. نہیں پھر وہ اور حالات دوسری چلے گئے نا, اس دور میں تو امن آ گیا تھا نا. یہ 3-4 موٹی موٹی باتیں. پھر یونائٹڈ نیشنز میں جو پیس کیپنگ آپریشن, اس میں پاکستان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن پاکستان, پیس آپ نے دیا, پیس دیا اور تاریخ میں نام سنا سا. تو یہ 4-5 چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں, شخصیات چلی جاتی ہیں کہ پاکستان جن لوگوں نے بنایا وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن رہتی دنیا تک
پارٹی کا نام رہے گا انشاءاللہ. خدا صاحب چھوٹے سے وقت کے بعد ہم پیپلز پارٹی کے اس ننھے نوجوان بلوگڑے پہ بات کریں گے جس نے سارے چلے ہوئے کارتوسوں کو پھر چلنے کے قابل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. ویل بی رائٹ بیک. ہمارے ساتھ رہے گا.